बैराड प्रभारी तहसीलदार अजय परसेडिया ने रेत माफियाओं को छोड़ आवास निर्माण किसानों पर की माइनिंग की कार्यवाही, बीच रोड पर हुई कार्यवाही से लगा जाम। शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने लंबित राजस्व मामलों के निराकरण के लिए बैराड तहसीलदार आशीष जैन को कलेक्टर कार्यालय में स्थानांतरण कर दिया। वही बैराड तहसील का प्रभार अजय परसेडिया जी को सौंपे। दो दिन भी नहीं बीते और आते से ही पिछली बार की तरफ किसानों को परेशान करना शुरू कर दिया। कुपेड़ा निवासी किसान नरेश का कहना है कि मैं जैसे ही किसान मंडी से फसल बेच कर आ रहा था, उसी लाइन में एक फड़ से सीमेंट और गिट्टी अपनी ट्रॉली में भरा रहा था। चूंकि गांव में ऐसी प्रधानमंत्री आवास आई थी, निर्माण के लिए गिट्टी सीमेंट ले जा रहा था। मुझे क्या पता क्या वैध या क्या अवैध। जब पत्रकारों ने तहसीलदार परसेडिया से पूछा कि आपने आज एक रेत माफिया जिन्होंने आसपास की नदियां खोखली कर दी है, आज तक उन पर तो आपकी कोई कार्यवाही देखने को नहीं मिली और पोहरी में आपके द्वारा काफी दिनों पूर्व यही कार्यवाही देखने को मिली थी, फिर कौन से रजिस्ट्रेशन के बाद वे खोले जा रही है? आपकी कार्यवाही रेत माफियाओं पर होनी चाहिए, परंतु आप किसानों को सता रही है। इस पर तहसीलदार ने कहा उन पर भी कार्यवाही होनी और अन्य सवालों में इर्द गिर्द करते नजर आए। तहसीलदार का कोई सटीक प्रत्युत्तर देखने को नहीं मिला। बैराड़ से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्यों भाई, ये जो आपका जो ट्रैक्टर खड़ा है अभी, मतलब तहसीलदार साहब ने पकड़ा है, तो ये आपका ही ट्रैक्टर है क्या? जो मेरा ही ट्रैक्टर है। ये क्यों पकड़ लिया जी? ये इसलिए पकड़ लिया कि अपन तो जान नहीं है भाई, तो कुटी तो बनना ही है घर तो अपन तो फड़पे से सीमेंट और जो लाया बस जहाँ अफीम तो भरेगा लाए ना तहसीलदार साहब ने पकड़ लो उनकी सूदी गाई गुल कर रही। अच्छा, हाँ। आपके द्वारा आज जो कार्रवाई की गई है, मतलब ट्रैक्टरों को पकड़ा गया किसानों को, जो क्या कुछ कार्रवाई है इसमें? आज तहसील बैराड में मेन रोड पर अवैध रूप से रेत और गिट्टी का प्रबंध करते हुए एक ट्रैक्टर पकड़ा गया, जिसका नंबर MP33A9546 है। सर ये पुलिस थाना सुपुर्दगी में दी। अच्छा सर, ये मतलब पार्वती नदी भी मतलब खोखली हो रही है और चंबल से है ना ककरुआ साइड से जो मतलब कई रेत और उन पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं मिली है? मैंने अभी कल कलेक्टर साहब ने मेरा आदेश किया है पौरी तहसीलदार के, पौरी तहसीलदार अतिरिक्त परिवार के साथ बैराड अतिरिक्त परिवार के लिए, और कल से मैंने इस पर मैंने पटवारियों को पत्र जारी किया गया। अवैध रूप रेत और गिट्टी के जो भी स्टॉल लगे हुए हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, और साथ में जहाँ भी अन्य नदियों से कोई भी यदि अवैध रूप से प्रबंध हो रहा है बिना रॉयल्टी के, तो सख्ती से खड़ी कार्रवाई। सर ये जो मामला हो रहा है जो दीरपुर साइड से चंबल की जो रेत आगे ट्रैक्टर आते हैं रोजाना 5-10 ट्रैक्टर डेली आते हैं, सर उन पे भी बिल्कुल सभी पे कार्रवाई होगी, जो भी पकड़ा जाएगा मौके पर पकड़ा जाएगा। सुबह 6 से 10 बजे के बीच में, हाँ जब भी होगा है ना, हमें जब भी माना मिलेगा पकड़ा जाएगा तो सब। सर यही कार्रवाई हमें पौरी में भी देखने को मिली थी पिछली बार, बिल्कुल हमने की थी पौरी में भी। अब उनके सब रजिस्ट्रेशन हो गए सर उनके? अभी भी जारी है ना, सब ने उन्हें अप्लाई कर दिया सब। सर कार्रवाई अगर आपको करना है तो सर आप फड़ों पे कर सकते हो कार्रवाई? नहीं, सब पे फड़ों पे भी होगी, किसान नहीं, किसान हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, अवैध रूप से यदि कोई परिवहन करता है, अवैध कोई काम करता है, तब उसी श्रेणी में सारे लोग आते हैं ना। वो तो खरीदेगा सर, वो तो बेचारा नहीं, मैंने इस पर कार्रवाई की है ना, वो चाहे उसमें अपील कर सकता है यदि उसको अवैध लगती है। मैंने न्याय संगत कार्रवाई इसमें की है, यदि किसी को लगता है गलत कार्रवाई की है तो वरिष्ठ अपील कर सकता है। बोल दिया।